G20 का एक बहुत मेजर एजेंडा था रिन्यूएबल एनर्जी और कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करना। और हम इन्वेस्टर्स को इससे क्या फायदा हो सकता है जानते हैं। सारे G20 मेंबर्स ने अग्री किया है कि जो वर्ल्ड वाइड रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी है ना, उसको ट्रिपल करना पड़ेगा जस्ट इन द नेक्स्ट 7 ईयर्स। और ये टारगेट अचीव करने के लिए हर साल की जो वर्ल्ड को एस्टिमेटेड कॉस्ट लगेगी ना, वो है $5.3 trillion। तो व्हाट द वर्ल्ड नीड्स राइट नाउ, एक कॉस्ट इफेक्टिव तरीका टू क्रिएट रिन्यूएबल एनर्जी। तो हाँ, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का इसमें बहुत स्कोप है। दूसरी चीज जो डिसाइड हुई कि पेट्रोल के साथ 20% एथेनॉल को ब्लेंड किया जाएगा जस्ट इन द कमिंग 3 to 4 years। तो एथेनॉल इंडस्ट्री के लिए भी ग्रेट अपॉर्चुनिटी। इन दो सेक्टर्स के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए, आप 100 comments दो वीडियो आपकी। एंड टू नो मोर अबाउट स्टॉक मार्केट्स, सर्च मोतीलाल ओसवाल। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग।